यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। लखनऊ के राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएलडी और सपा का सफलतापूर्वक गठबंधन चल रहा है जो आगामी चुनाव में भी बना रहेगा। साथ ही उपचुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी को आरएलडी का पूरा समर्थन मिलेगा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने त्रिलोक त्यागी से कुछ खास बातचीत की, सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। सर, आज संगठन की बैठक की गई है, किन विषयों पर चर्चा की गई है, क्या रणनीति पे तैयारी की गई है? देखिए, एक तो हमने चर्चा की कि हम अपनी मेंबरशिप बना रहे हैं और हमने 1 मई से शुरू किया था और 23 दिसंबर तक मेंबरशिप करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को मेंबर बनना है और जो 20 मेंबर बनाएगा वो सक्रिय सदस्य होगा, वही पदाधिकारी होगा। जो सक्रिय सदस्य नहीं होगा उसको हम पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। एक ये फैसला हुआ हमारी कार्यकारिणी में। आज राम आशीष राज जी ने उसकी तैयारी की बैठक बुलाई है। जिला प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी सब नियुक्त किए जाएंगे और सघन अभियान चला जाएगा मेंबर साजी का। अभी हमारा कार्यक्रम है, आज हमारे यहाँ के राम आशीष राय और ये लोग निकल रहे हैं आजमगढ़ के लिए। 17 तारीख को जयंत चौधरी और मैं जा रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वहाँ हराने का काम करेंगे और चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों का गठबंधन है वहाँ। चौधरी चरण सिंह के लोग, चाहे वो सपा में हों चाहे लोकदल में, मिलकर धर्मेंद्र यादव को जिताएंगे। साल के अंत में निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है और क्या उस पर काम किया जा रहा है? देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी है, आज उसमें भी चर्चा हुई, पर उसके लिए अलग से एक बैठक बुलाएंगे। आज सिर्फ मेंबर साजी पर और आजमगढ़ के चुनाव पर, रामपुर के चुनाव पर चर्चा हुई है। अलग एक बैठक करेंगे, हम निकाय का चुनाव लड़ेंगे और उसकी हम तैयारी करेंगे। अच्छा, बीते दिनों ये आपके नुपुर शर्मा नामक एक प्रवक्ता ने कुछ विवादित बयान दिया, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? दो समुदाय आमने सामने नहीं है, पुलिस और एक समुदाय आमने सामने है। ये जो दो समुदायों को आप आमने सामने कर रहे हो, ये भाजपा चाहती है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, उनके पैगंबर को आपने गाली दी है, मुसलमानों को आप गाली दे रहे हो, उन्हें जलील कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार करो, आपने 15 दिन हो गए आज तक गिरफ्तार नहीं किया। जब अरब देशों का दबाव आया तब आपने उसको प्रवक्ता से हटाया, नवीद जिंदल को और उसको। तो ये दो समुदायों का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा ये मुसलमानों की भावना आत हुई है। जो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं उनको बुरा लगा है तो वो सड़कों पर आ गए। कल को कोई रामकृष्ण को गाली देगा और मैं खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई गौतम बुद्ध को भी गाली देगा तो मैं सड़क पर आऊँगा। क्या बात आप कर रहे हो, हमारे भगवान हैं, हमारे पैगंबर हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उनको पत्थरबाजों को जेल भेज दो, कुछ आपको कानून में पर आप उनको उनका घर नहीं ढा सकते। अब ये तो आप एक तरह से आपका अत्याचारी बुलडोजर, ये अहंकारी बुलडोजर योगी जी से बंद करो। उपचुनाव में अभी आजमगढ़ रामपुर में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव लोकसभा के, क्या स्थिति है आपकी गठबंधन? अरे, हमारी सीट है दोनों, एक आजम ने खाली की है, एक अखिलेश जी ने खाली की है, दोनों हम जीतेंगे, भारतीय जनता बुरी तरह हारेगी। साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वो अभी समाजवादी पार्टी के खाते में थी और हम जीत रहे हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो हाल ही में बीते दिनों दो समुदायों के बीच में जो तानातानी देखने को मिल रही, उसमें साफ तौर पर उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया है और कहा है ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। कैमरामैन शुभम के साथ विभान सुप्राइम टीवी शहर में गरीब कल्याण योजना के तहत सभी लोगों का सम्मान करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। वहीं दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलने को लेकर जनरल वीके सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या जरूरी है। कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती। जनरल रह चुके हैं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक जमीन पर नहीं आती मेरे को, मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। इसका उद्देश्य है जनता को सरकार के किए हुए कामों तक, सामान्य जनता तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो गरीबों के लिए काम किए गए हैं वो पहुंचाना, जिससे कि गांव में जाकर लोग चर्चा करें और अंततोगत्वा जो आम जनता के मन में नरेंद्र मोदी और योगी जी के प्रति श्रद्धा है
मैं श्रद्धा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये भरोसा है कि इस देश को और कोई बचा सकता है तो मोदी बचा सकता है। इसलिए मंत्री जी क्या कहेंगे, उनको क्या नसीहत, गुमराह नौजवान है, कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और यूपी सरकार 2.0 में जल शक्ति मंत्री गरीब कल्याण सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाई और केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब हितों में काम कर रही है, बीजेपी सरकार जनता की सरकार है। साथ ही जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की यूएई चैंपियन ऑफ द ईयर चुना गया है, देश के लिए सम्मान की बात है। 14 के पहले इस देश के अंदर भ्रष्टाचार होता था, और नेहरू परिवार में, इंदिरा गांधी परिवार में, और पॉलिटिकल पार्टी जितने वंशवाद की पार्टियां थी, केवल राज्य को लूटने का काम करते थे, भ्रष्टाचार करने का काम करते थे, और भ्रष्टाचारियों को सम्मान मिलता था और मंत्रिमंडल में जगह मिलता था। आज़ादी के बाद 14 सरकार आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब कानून से नहीं बचता है, चाहे विजय माल्या हो, चाहे पी चिदंबरम साहब हो, या सोनिया जी हो, या कोई हो, कानून अपना काम करता है। जो कानून है, जो एजेंसियां हैं, वह अपना काम करती हैं, कोई किसी प्रकार की। जैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आज आप देखेंगे बेटी सुरक्षित है, पहले 5 बजे वह बंद कर लेती थी, सड़क पर दिखाई नहीं देती थी, आज आप हम परिवार के साथ 12 बजे रात को। खबर कानपुर से है, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से सर्किट हाउस में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, और जनसुनवाई के अंतर्गत सैकड़ों महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जिस पर पूनम कपूर ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के लिए आदेश करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिला जनसुनवाई है जो प्रत्येक माह के बुधवार को हर जनपद में होती है। इसमें आज महिला जनसुनवाई के साथ साथ महिलाओं की चौपाल और एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमने लाभार्थियों को, हमारे सभी विभागों ने उनको बुलाया था कि जो ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं आई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने मिशन शक्ति 4.0 के तहत महिलाओं से संवाद किया, दौरान सरकार की ओर से चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और घरेलू हिंसा से संबंधित समस्याएं भी सुनी, साथ ही जल्द समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया। हमारी जनसुनवाई चली रही है, कुछ लोगों को सुन लिया है, अभी बाकी है। घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं जो महिलाएं हमारे पास आई हैं, सब घरेलू हिंसा ही हैं, तो परेशान हैं परिवार वालों से। अभी तक अभी 3-4 आई हैं, लगभग 10-15 के बीच में शिकायत पत्र आए हैं हमारे पास। सरकार ने तो योजनाएं बहुत निकाली हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, बच्चियों के लिए भी हैं, आप भी जानते हैं इस बात। संबल के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला मरीज ने ओपीडी में तैनात चिकित्सा पर हाथापाई और अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, हालांकि सीएमएस के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हुआ। किसने चलाया ये? मैडम ने। मैडम कौन है? क्या गीते, क्या नाम है उनका? डॉक्टर है यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आप किसको लेकर आई थी? मरीज कौन है आपका? अपनी भतीजी को लेकर आई थी मैं। हैं? अपनी भतीजी को लेकर आई थी। क्या नाम है उसका? जेवा। चिकित्सक पर आरोप है कि इन्होंने एक महिला मरीज के साथ मारपीट की है, थप्पड़ जड़े हैं उसके, तो क्या कहना है उसको? नहीं, ये आरोप तो निराधार है। वो ओपीडी में महिला आई थी और उसको दूसरी महिला डॉक्टर ने देखा था और वो कहा था कि आपको हेपेटाइटिस सी है पर अभी आपको दवा नहीं लेनी है, आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। मुझे लगता है शायद वो जो दिन डॉक्टर के पास गई थी वो पहले से मरीज देख रही थी, मुझे लगता है शायद उनको कुछ जल्दीबाजी थी या कुछ था, तो इसी बात में शायद उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया डॉक्टर से या क्या किया, थोड़ा बहुत उसी में कुछ कन्फ्यूजन हो गया। और उसके बाद में मैं वहाँ खुद गया तो दोनों को, डॉक्टर को समझाया और मरीज।
खबर अलीगढ़ से है जो कासिमपुर पावर हाउस में हुए बहुचर्चित भाजपा नेता और उनके भाई की हत्या के सभी नौ आरोपी दोषी करार दिए गए। यह फैसला जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत ने सुनाया और सजा सुनाए जाने के लिए 15 जून की तारीख दी गई और अदालत के आदेश पर दोषी करार किए गए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। 2011 3 मार्च की घटना थी। श्री यशपाल सिंह चौहान और उनके भाई बैंक से पैसे निकालने गए थे तो उसी समय अभियुक्तों ने 9 व्यक्ति उन्होंने एक घात लगा करके साजिश के तहत और हमला किया और उसमें इनकी लूटपाट कर ली। उनके जो हथियार थे वो भी लूट लिए और कैसे लूट ले गए और दोनों भाइयों को यशपाल सिंह चौहान और उनके भाई अनिल चौहान इन पर अंधाधुंध फायरिंग करके गनशॉट इंजरी से उनकी इंजरी पहुँचाई और उस एक जो अनिल चौहान की मौके पर मौत हो गई और श्री यशपाल सिंह चौहान हॉस्पिटल में जाके उनकी मौत हो गई। तो बड़ा जघन्य हत्याकांड था 2011 का। अभियोजन की तरफ से हमने 12 गवाहों को परिचित कराया जिसमें चश्मदीद गवाह जो कि मौके पर उसको भी मानने का प्रयास किया गया था लेकिन वो किसी तरह से बच गया था। जनपद गोंडा के ग्रामीणों ने एसडीएम से तालाब पर बनाए गए ऊंचे बांध को हटवाने की मांग की है। दरअसल मछली पालन के लिए तालाब का पट्टा है जिस पर गांव के लोगों द्वारा मछली पालन करने के लिए बांध को 3 तरफ से ऊंचा बना दिया गया है जिसकी वजह से कुछ ग्रामीणों के खेतों से पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है जिससे वो परेशान है और बांध हटाने की मांग कर रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है जहां अकबराबाद क्षेत्र के गांव शंकरगढ़ निवासी एक महिला को दबंग महिलाओं ने खेत में बकरी चली जाने को लेकर घर में घुसकर मारपीट की जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर दबंग महिलाओं पर मारपीट के साथ सोने के कुंडल लूटने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। खबर शाहजहांपुर से है जहां व्यापार मंडल के खिरनी बाग कार्यालय पर जिले के सभी मोबाइल विक्रेताओं की बैठक महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सभी मोबाइल विक्रेता शामिल हुए और महानगर अध्यक्ष को मोबाइल बेचने में आ रही ग्राहकों से परेशानियों के बारे में अवगत कराया। आज पूरे महानगर के मोबाइल के होलसेलर रिटेलर सभी विक्रेताओं का एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मत से विनीत अवस्थी जी अल्फाटेक मोबाइल सतनाम चावला मोबाइल वालों का अध्यक्ष और महामंत्री बनाया गया और इनके 16 लोगों की कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी का और आगे भी विस्तार होगा। और ये कमेटी जो है किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट के नियम आए हैं मोबाइल कैसे खरीदना है कैसे बेचना है पुराना मोबाइल किस टाइप से ग्राहक को देना है ये सारी योजनाओं में जो भी बात होगी सब एक तरफ से जो नियम पास हो जाएगा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उसी आधार पे पूरे सारे मोबाइल विक्रेता कार्य करेंगे और किसी प्रकार का कोई भी शोषण इन व्यापारियों का नहीं करा जाएगा क्योंकि मोबाइल विक्रेताओं पे काफ़ी ब्लैकमेलर लोग काफ़ी ग्रोह इनके पीछे जो है प्रदान करने की नीयत से ब्लैकमेलिंग की नीयत से इनको प्रदान कर रहे हैं इसलिए एक मुट्ठी बनकर सब लोग एक साथ रहेंगे किसी पर कोई प्रॉब्लम आएगी सब एक साथ वहीं खड़े होंगे और उनकी समस्या का वहीं। खबर लखीमपुर से जहां पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार कस्बा नौगावा मचाई गई में सभी दुकानदार और ग्रामीणों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान सभी को अपने एटीएम कार्ड नंबर के प्रति जागरूक होने के लिए कहा गया जिसके बाद गांव वालों ने चौकी इंचार्ज की प्रशंसा की। संबल में स्वच्छ भारत मिशन का पलीता लगाया जा रहा है गांव में गंदगी का अंबार लगा है। अधिकारी शासन के आदेशों का अनदेखा कर रहे हैं जिसकी वजह सड़कों पर गंदगी फैली है और बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आता कभी क्या करें 20 दिन में आ गया कभी 25 दिन में आ गया ऐसे आ जाता। अच्छा तो प्रधान जी से ये ब्लॉक में जाकर शिकायत न करिए इसके खिलाफ। किसी ने कहते हैं तो वो कह रहे हैं बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ कह रहे हैं 2-4 दिन के बाद। अब कितने दिन से ना आया? अब तो कम। फरीदाबाद में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार के मऊ जिले से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब युवक को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। यहाँ पर एसी नगर में जो ये हमारी विक्टिम यहाँ रहती है अपने मम्मी पापा के साथ पीछे से ये बिहार की रहने वाली है
तो इस लड़की ने बताया, पुलिस को आके बताया कि मेरे साथ ये लड़का जो है शुभम नाम का लड़का, यहाँ पर उसको शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाता रहा और उसको पूरा वादा करता रहा कि मैं शादी करूँगा और ये भी पीछे से बिहार का ही रहने वाला है। लेकिन एक दिन जब लड़की ने इस पर ज़्यादा फोर्स किया कि भी शादी कर लो, हमारी उम्र भी है, तो ये बिना बताए लड़की को और अपने गाँव भाग गया और अपना नंबर भी जो है वो स्विच ऑफ कर लिया। लड़की ने काफ़ी एफर्ट किए लेकिन ये किसी भी तरह से उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो लड़की ने कहा कि वो मतलब उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना के और शादी का झांसा देकर बनाए हैं और आज मुझे धोखा देकर वो भाग गया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसकी इसी इन्फॉर्मेशन खरबुलेन शहर से, जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता शर्मिशार हुआ। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने पर डीपीएस के शिक्षक के खिलाफ कक्षा 10 और 8 की छात्राओं ने स्कूल प्रबंधक से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इंटरनल इंक्वायरी के बाद डीपीएस के वाइस प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज कराया। ये डीपीएस स्कूल यहाँ पर है बुलंदशहर में, उनके प्रशासन द्वारा एक जांच करके एक टीचर सुरेंद्र सिंह पुनिया है उनके खिलाफ़ एक अप्लीकेशन दी गई है। उस पर धारा 354 और पॉक्सो एक कम करना काम हुआ है। वह कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते। फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल बादशाह खान को देश का पहला मुस्कान सर्टिफाइड हॉस्पिटल घोषित किया गया। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। बता दें कि मुस्कान सर्टिफिकेशन के लिए हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर की टीम ने मार्च में अस्पताल का निरीक्षण किया था। नागरिक अस्पताल के केंद्र को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं डॉक्टर सविता यादव पीएमओ ने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर सभी सुविधा मौजूद है, इसमें आने वाले किसी भी बच्चे या महिला को परेशानी नहीं होगी। कान इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है और इसका सर्टिफिकेशन होता है, इसके लिए हमने अप्लाई किया था और जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद जो है देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि मुस्कान सर्टिफाइड हुआ है। इसमें हमने 90% मार्क्स स्कोर करे हैं और इसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं हैं जो दी गई हैं एक प्राइमरी सेंटर हेल्थ सेंटर के ऊपर। हमारी कोशिश ये रही है कि जो बच्चों का ये, क्योंकि बच्चों के इलाज से और उससे संबंधित है डिपार्टमेंट से, तो एक ही छत के नीचे बच्चों का अधिक से अधिक बच्चों की बीमारियां यहीं पकड़ी जाएं और इंटरवेंशन हो और इलाज। की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।